वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का जो वीडियो है ये वास्तु के ऊपर है और वास्तु में मिरर्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है इसी के ऊपर आज का वीडियो है। और बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मिरर कहाँ लगाने चाहिए, कौन से शेप के लगाने चाहिए, बड़े लगाने चाहिए, छोटे लगाने चाहिए, डायरेक्शंस कौन सी है, मिरर क्या पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, बेडरूम में लगाने चाहिए क्या, किचन में लगाने चाहिए क्या। तो इन सभी क्वेश्चन को कवर करते हुए आज हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो मिरर्स का काम ये होता है कि मिरर कोई भी चीज को रिफ्लेक्ट करता है और उसको उसका जो चीजों को वो रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। और कोई जहां पे भी मिरर का यूज होता है वो एरिया आपको बड़ा दिखने लग जाता है, वहां का डायमेंशन जो होते हैं वो बड़े दिखने लग जाते हैं। तो पहली चीज तो ये है। उसके बाद में अब आप खुद भी ये चीज सोच सकते हैं कि मिरर हम कौन सी डायरेक्शन में लगाएं। अगर आपके घर में मिरर कुछ ऐसी डायरेक्शन में लगे हुए हैं जिसके सामने एग्जांपल के लिए कोई स्टोरेज है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टोर या आपका बर्डन इंक्रीज हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो उस चीज को कहीं ना कहीं बहुत सारा क्लटर रखा हुआ है और उसके सामने मिरर आ रहा है तो वो क्लटर को रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स, क्लटर, बर्डन, ये सब चीजें, टेंशंस, ये सब एग्नी, फियर, ये सब कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे। वैसे मिरर का प्रॉपर यूज, जो प्रॉपर डायरेक्शन है, वो नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक मिरर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये वाटर की और एयर की डायरेक्शन है और मिरर को वास्तु के अंदर वाटर एलिमेंट बताया गया है। कहते हैं पहले के जमाने में लोग बाग पानी को यूज करते थे अपना चेहरा देखने के लिए, तो उसको इसलिए वाटर एलिमेंट माना गया है। और अगर मिरर को आप फायर की डायरेक्शन में यूज करते हैं या अर्थ एलिमेंट जहां पर आता है, साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है, और यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए आपको। साउथ ईस्ट से लेकर और आपके साउथ वेस्ट तक बहुत सारे मिरर्स नहीं होने चाहिए। बस अगर वहां पे आपके वॉशरूम आ रहे हैं तो आप कोई छोटा मिरर और सिंगल मिरर वहां पे आप यूज कर सकते हैं। वहां पे बड़े बड़े डिजाइनर मिरर्स या इंटीरियर के अंदर मिरर्स यूज बिल्कुल भी ना करें। अगर आप करते हैं और अगर आपके घर में ऐसे मिरर्स लगे हुए हैं तो हो सकता है आपके घर के बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो। कई बार इतना एग्रेशन बढ़ जाता है कि लोग बाग अपनी घर की चीजें भी तोड़ फोड़ कर आ जाते हैं, या आपका कहीं ना कहीं नेम और फेम जो है वो कहीं ना कहीं उसको उस पर कहीं ना कहीं चीजें खराब हो रही होती है। आपको लीगल केसेस हो सकते हैं, आपका मनी ब्लॉक हो सकता है, आप डे बाय डे आप फियर में रहने लग जाते हैं क्योंकि फायर वहां की इम्बैलेंस हो चुकी है, तो आपका फियर फैक्टर बढ़ता जाता है, आप लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो मिरर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है और ये 100% साइंटिफिकली वास्तु के अंदर काम करते हैं, ये कोई भी सुपरस्टिशन नहीं है। फिर मिरर के अगर हम 5 एलिमेंट्स के हिसाब से बात करें तो स्पेस एलिमेंट जो कि वेस्ट डायरेक्शन को दिखाता है, वहां पे मिरर्स ओके है, आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर वहां पे टॉयलेट आ रहा है और सामने मिरर है तो फिर टॉयलेट की नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए कि आपके किचन में अगर यहाँ पे गैस स्टोव रखा हुआ है और उसके सामने अगर मिरर है तो फायर को वो रिफ्लेक्ट करेगा और इंक्रीज करेगा, तो घर की फीमेल्स के लिए वो एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा। तो लेकिन बेस्ट जो प्लेसमेंट है वो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा है। नॉर्थ के अंदर मिरर्स कई बार जहाँ पे नॉर्थ कटा हुआ होता है या नॉर्थ इम्बैलेंस होता है, तो एज अ रेमेडी भी वास्तु कंसल्टेंट्स नॉर्थ के अंदर मिरर को लगवाते हैं और उस बैलेंस को रेक्टिफाई करते हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट अगर कटा हुआ होता है तो मिरर्स का यूज होता है, ईस्टर्न पार्ट की वॉल पे जो मिरर्स का बहुत अच्छा यूज होता है, रेक्टिफिकेशन में होता है, इवन रेमेडीज के रूप में होता है और इवन जनरल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी वहां पे मिरर्स का यूज होता है। मिरर को हमेशा फ्रेमिंग में यूज करें, वुडन फ्रेमिंग, क्योंकि वुड को बहुत अच्छा एलिमेंट बताया गया है हमारे शास्त्रों में भी और वो बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। वुड वुड आपके जुपिटर को दिखाता है जो कि इटसेल्फ एक हैप्पीनेस को दिखाता है।
तो ये डायरेक्शन हो गई मिरर्स के लिए, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए भी मैंने बता दी। सदर्न जो पार्ट है घर का, फायर का, वहां पे मिरर्स नहीं जाते। तो इस तरीके से आप मिरर्स को अपने घर में यूज